One, two, three, let's switch this up. दोस्तों कैसे आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। और दोस्तों पोल्यूशन दिल्ली में भयंकर पोल्यूशन हो रहा है, दिखाते हैं आप। दोस्तों कितना पोल्यूशन है, देखो पोल्यूशन पोल्यूशन क्या होगा। हम दिल्लियों का, दिल्ली वासियों का क्या होगा, मतलब दिल्ली वासियों का क्या होगा। वैसी उम्र छोटी हो रही है दोस्तों, पोल्यूशन पोल्यूशन खा खा के लोग सोचते ठंड है, तो ठंड का भयंकर पोल्यूशन भी है दोस्तों। आज हम सारे बिल्सन भाई, बिल्सन बहन की बहन, बिल्सन भाई की बहन, उनकी बहन की बेटी। और देखो बिल्सन भाई का हमारे पास्टर जी का है, ये रहे। याद है हमें पास्टर जी के मंजू की तबीयत खराब हो गई थी, किसी के घर से प्रार्थना करके आ रहे थे हम, याद है? हाँ, वहाँ भैया मंजू की तबीयत खराब हो गई थी, ढे उल्टियाँ। तो जल्दी आ जाओ मंजू मैडम, घूम घाम के बाहर से, पता नहीं हमारे ब्लॉग देखती नहीं देखती है। तो उनकी बेटी है दोस्तों, ये उनकी, ये छोटी सी थी तो छोटेपन से इसको जानते हैं दोस्तों। उसकी तबीयत दिल्ली में ही खराब होती है। हाँ बाहर, अरे दीदी आपका दिख रहा हो, दिखते लो याद है जब मेरा ब्लॉग बना था तो आप हमारे घर पे थे पहली बार, फर्स्ट ब्लॉग आलू के पराठे खाए थे। नहीं मैं तो पहले से ऐड हूँ। हाँ आप थे तो भी ब्लॉग बनाए थे मैंने, याद कर लो, एक साल हो गया है। और आपने पराठे खाए थे, आलू के गुड़ की चाय पी थी, है ना? खातिर हुई थी, मैं पहली बार गई थी। हाँ वो खातिर मैं चाहती हूँ तुम्हारे अपने मकान में करो मेरी। हाँ यार मैं चाहती हूँ कि नाइट प्ले करते हैं दूसरे भाई, चलो बना लो, है ना? नए प्रोग्राम करो और नए घर में चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है ठीक, फ्राइडे करना है, फ्राइडे रात को। हाँ हाँ ये ठीक है, सैटरडे ऑफ रहेगी, फिर संडे चल चल। देख रहे हमारे तो सैटरडे ऑफ नहीं रहेगा ना भैया, चलो ठीक है ले लेंगे। तो दोस्तों हम जल्दी अपने घर में नाइट प्रे करने वाले हैं। आप जब जिस जिसको प्रार्थना की जरूरत है प्रार्थना के लिए बताएं हमें, तो और शामिल भी हों, खासकर मेरे हमारे यहाँ के बच्चे, उनके लिए उनको जो बोलते हैं आंटी प्रे करो हमारे लिए, तो हमारे पास्टर जी प्रे करेंगे, हम सब प्रे करेंगे नाइट प्रे में, पूरी रात प्रार्थना होती है। तो चलो दीदी मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक और जो ये करती नहीं है, करती नहीं है। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको बाद में। हाँ ठीक है ओके थैंक यू। तो आज खाना है दाल चावल, सिंपल वाले दाल चावल, तो मैंने सिंपल वाले दाल चावल बना लिए हैं। और मैं जाना था पास्टर के बेटे के बर्थडे में, लेकिन दोस्तों नहीं गए हम लोग, क्योंकि सब जगह जुलूस से निकल रहे राम मंदिर के, तो हम लोग नहीं गए हैं। और अभी फिलहाल मैं दाल चावल बना रही हूँ, शादी में भी जाना था हमें, देखते हैं जाते हैं जाते हैं। और फिलहाल तो मैं कभी मैंने लाई तिल, तो इन दिनों सर्दियों में तिल खाना बहुत जरूरी है। तिल खाओ और आपका मेथी खाओ, ये चार तीन महीने जो आप एक चीज़ खा सकते हैं, बड़ा अच्छी होती है। और मैं तिल दिखा रही हूँ दोस्तों, मैं तिल थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी लग रही है, तो उसको मैं छान लेती हूँ और उसको धो लेती हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ी सी खानी चाहिए, अच्छी होती है। दिखा देती हूँ, तो तिल लेके आई थी मैं, तो ये बड़ी अच्छी होती है आपके दर्द वर्द के लिए। और मेथी तो मैं खाती हूँ दोस्तों, अभी मेथी की सब्जी बनाई, मेथी को रात को बस उसको भिगो देती हूँ, फिर सुबह उसका पानी पीती हूँ। और दोस्तों उसको थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, और देखो कितनी मिट्टी निकलती है, ये देखो कितनी मिट्टी निकल रही है इसके अंदर, बहुत मिट्टी है। तो उसको थोड़ा धो भी लूँगी, तब भूल लूँगी मैं, छन्नी में धो ली मैंने मेथी दोस्तों, बिल्कुल सूख गई है, मैंने तो हल्का सा उसको गर्म भी करा है, ये देखो और बिल्कुल साफ हो गई, मिट्टी मिट्टी लग रही। मैंने क्या करा ना इसको, वैसे दोस्तों ना हर चीज़ ना पैकेट बंद लेनी चाहिए, इस बार क्या करा ये मैंने खुली ले ली, तो क्या मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने धो लिया, अभी एक अलग अलग हो गई है, बिल्कुल मिट्टी भी नहीं लग रही है। आप सर्दी सर्दी में ज़रूर खाओ, तिल खाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, गर्मी में चाहे थोड़ा सा अवॉइड करो पर सर्दी में आप खाओ, पूरी सर्दी जो है ना ये तिल खा लो, तो पूरे साल का काम ख़त्म कर देती है। और एक मेथी भी, कई लोग मेथी नहीं खाते हैं पर शुगर वालों के लिए मेथी बड़ी अच्छी है, मेथी दर्द वर्द के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों, थोड़ी बहुत खानी चाहिए हमें, चाहे भिगो के खा लो मतलब चबा के भी खा लेते हो कच्ची, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पहले नहीं अच्छी लगती थी
लेकिन अब अच्छी लगती है दोस्तों। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो दोस्तों, जब ठंड तो जबरदस्त हो रही है और कल सारे गवर्नमेंट के ऑफिस तो लेट खुलेंगे, पर हमारे नहीं खुलेंगे ना, हमें तो जाएंगे सुबह सुबह। तुझे किन नहीं देखो कैसे ऊपर आ गया, तुझे कौन बुला, तुझे कौन बुला, कौन बुला तुझे, हैं बात कर रही मैं लोगों से, बात कर रही, तू भी बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, हेलो करो हेलो। ये पागल हो गया है। तो दोस्तों बड़ी ठंड हो रही है और पॉल्यूशन भी हो रही है। इसको नीचे डाल, उतार नीचे इसको, तो दाल चावल खा लिए, दाल चावल बना लिए। और मैंने बताया तिल के बारे में, इन दोनों आप तिल ज़रूर खाओ दोस्तों सर्दियों में, एक चम्मच या थोड़ी सी खाओ, बहुत अच्छी होती है। और मेथी भी अगर भिगो के खा सकते हो तो भिगो के खाओ, किसी तरह से भी खाओ सर्दी सर्दी। और आज तो दोस्तों हमारे पास्टर जी के बेटे का बर्थडे था, मैं जाना था लेकिन ठंड के मारे हम गए नहीं। ठंड के मारे मतलब थोड़ी सी कल ऑफिस भी जाना है, अगर लेट होता तो हम चले जाते दोस्तों। हाँ गवर्नमेंट सारे ऑफिस लेट खुलेंगे, हमारे तो जल्दी खुलेंगे दोस्तों, हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो बस करते हैं आपको गुड नाइट, क्योंकि कल जी मोदी जी अपना है, और मोदी जी अपने दोस्तों कल राम का स्थापना हो रही है और राम जी अपने अयोध्या में आ रहे हैं। मतलब आज तो बहुत साल पहले चुके थे लेकिन अब नया मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है, तो खुशी की बात है दोस्तों। तो आप सभी को मिलते हैं कल जिंदा रहे तो। और तो बस दोस्तों करते हैं गुड नाइट और जिंदा तो मिलेंगे दोस्तों, बाय।